तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा गाइड फॉर टेक उज्ज्वल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को प्रेस करके, और उसके बाद जो बेल आती है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ वो आप पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ न्यू 2017 के हीरो ग्रामर के सर्टिफिकेशन के बारे में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, इंजन से स्टार्टिंग करता हूँ। तो पहले बता देता हूँ, हीरो ग्लैमर काफ़ी बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। हालांकि बहुत बदलाव किया गया है इसमें, और अभी आप इस स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, काफ़ी बदलाव के साथ ये अब की बार हीरो लाया है। तो इंजन इसमें दिया गया है 125 cc का, सिंगल सिलेंडर दिया गया है, एयर कूल्ड है विद i3S के साथ, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी है। मैक्सिमम पावर दी गई है 11.4 bhp की और 7500 का rpm है। माइलेज बता दूँ 60 किलोमीटर प्रति लीटर है, और ट्रांसमिशन दिया गया है इसमें 5-speed मैनुअल, और फ्रंट सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक फॉक्स के साथ, और रियर सस्पेंशन दिया है गैस चार्ज ट्विन शॉक एब्जॉर्बर के साथ। और फ्रंट ब्रेक जो इसमें है वो है डिस्क, और जो रियर ब्रेक है वो है ड्रम। और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी अब की बार ग्लैमर ला रहा है, और मतलब हीरो ला रहा है, बहुत ही अच्छी गाड़ी ग्लैमर। हालांकि जो इसका इंजन है उसमें भी काफ़ी बदलाव किया गया है। पहले का अगर इंजन के साथ अगर आप इसको मिलाते हैं तो वो काफ़ी मतलब स्मॉल था और उतना दमदार नहीं लगता था देखने में, लेकिन अब की बार जो ग्लैमर लेकर आ रही है हीरो, वो बहुत ही बेहतरीन और पहले से बहुत ही ज़्यादा उसको मॉडिफाई कर दिया गया, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वो है दिखने में भी, स्टाइलिश भी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बता देता हूँ, इसमें कुछ सिटी में अगर आप इसे चलाएंगे तो ये 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी, वहीं अगर आप चलाते हैं हाईवे पे तो ये आपको देगी 60 किलोमीटर प्रति लीटर। और इसमें यही वो एएचओ फीचर के साथ आती है, मतलब ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, जैसे आप चाबी लगाएंगे इसकी हेडलाइट ऑन हो जाएगी। और बहुत ही बेहतरीन लुक है इसका। बैक अगर आप देख लें तो बहुत ही गजब का है, और फ्रंट आप देख लें तो बहुत ही मतलब बेहतरीन लुक इसे दिया गया। अगर आप इसकी मतलब जो और नए फीचर्स हैं उसकी अगर बात कर लूँ थोड़ा बता दूँ तो एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है, डिस्क ब्रेक मीटर दिया गया है, हेडलैम्प है, LED है, और इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी दिया गया है। इसमें डुअल टोन पेंट स्कीम्स भी दी गई हैं, अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, रियर गैस एब्जॉर्बर भी दिया गया है, क्लियर लेंस इंडिकेटर भी दिया गया है, और मेंटेनेंस फ्री बैटरी दी गई है इसमें, ट्यूबलेस टायर है, साइड इंडिकेटर है, और i3S स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी है, और ये ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, मतलब मैं पहले बता चुका हूँ AHO। तो उम्मीद कर बहुत ही मतलब अच्छी गाड़ी है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगी। तो इसके कुछ कलर्स के बारे में बता लेता हूँ, जिस कलर में हीरो ग्लैमर आती है 2017 की नई वाली, वो है ब्लैक विद टेक्नो ब्लू, ब्लैक विद स्पोर्ट रेड, कैंडी ब्लेजिंग रेड रेड, और ब्लैक विद टर्नेडो ग्रे मेटेलिक। मतलब काफ़ी बेहतरीन नए और कलर्स के साथ आती है, और देखने में इसका जो लुक दिया गया है ना, कसम से बहुत ही बेहतरीन है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। हालांकि मतलब न्यूज़ भी खूब आ रही है इसके बारे में, और जाना लोग पसंद कर रहे हैं इसके ग्लैमर के बारे में जो कि लॉन्च कर रहा है हीरो। और न्यू ग्लैमर है, काफ़ी बेहतरीन है, पहले से बहुत बढ़िया लुक दिया गया है इसमें, एचओ फंक्शन का भी इसमें मतलब, और BS4 जो सबसे मेन बात है, BS4 इंजन दिया गया है, जो कि मतलब अभी सरकार ने मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अब BS3 की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, खाली BS4 की गाड़ियाँ चलेंगी। अगर आपको जानना कि BS4 और BS3 इंजन क्या होता है तो आप मेरे चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल पे जाके, अभी मैंने एक दिन पहले ही वीडियो डाली, आप उसको भी देख सकते हैं BS4 इंजन आखिर में होता क्या है और BS3 इंजन से कितना डिफरेंस होता है इसमें। तो इसमें BS4 इंजन का भी दिया गया, और जो इसका वो जो लुक दिया गया है, जहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है उसका अगर लुक की बात करें तो गजब का लुक दिया गया है। और सर्विस मेंटेनेंस भी बताता है इसमें, इंडिकेटर है सर्विस में, वो मेंटेनेंस इंडिकेटर है कि मतलब अब सर्विस इसे चाहिए या नहीं चाहिए। और पहले से बहुत ही बदलाव स्पीडोमीटर में भी किया गया है, और काफ़ी स्टाइलिश बना दिया गया है, और गाड़ी बहुत ही स्टाइलिश है, हालांकि कंफर्टेबल भी काफ़ी है सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस इसमें दिया गया है। इसकी जो लेंथ है गद्दी की बहुत ही मतलब बेहतरीन, सीट की जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा दी गई है, आराम से आदमी इसमें बैठ के ट्रैवल कर सकता है। और इसकी जो हैंडलिंग की जो पकड़ है वो भी काफ़ी बेहतरीन है अब की बार से। अगर पिछले वाले की बात करें तो पिछले वाले में कुछ ज़्यादा ग्लैमर में था नहीं, लेकिन अब ग्लैमर हमको लग रहा है कि 125 cc के इंजन में आके बहुत मतलब ज़्यादा बदलाव कर दिया है, और सबसे बेस्ट सेगमेंट में अपनी ये बाइक हो सकती है अगर बात की जाए तो 125 cc के साथ ही आती है।
तो बहुत ही बेहतरीन बात है और काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी नाम कमाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि इसे खूब से ज़्यादा ही लोग इसे खरीदना पसंद करेंगे। अगर आपको कोई जानकारी इसके इस बाइक के बारे में लेना हो या इसके लॉन्च डेट के बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव अगर मुझे देना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के मतलब करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी टेक वीडियो और ऑटोमाइज से रिलेटेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर टेक उज्ज्वल में लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।